हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीआर चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जेई मेंस 2019 एंड 2020 के पेपर्स, जो कि यूज़फुल होंगे जेई के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं। टॉपिक है अपना आज का केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ml ऑफ 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इज एडेड टू 30 ml 0.2 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। द pH ऑफ रिजल्टेंट मिक्सर इज, रिजल्टेंट सोल्यूशन की pH क्या होगी, रिजल्टेंट मिक्सर की pH क्या होगी, ये का है। तो आपके पास में एसिड भी है जिसको ऐड किया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। 30 ml सोल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, तो आपके पास में ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, ये वीक बेस है, वीक बेस। इसमें ऐड करे हो आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करे हो, वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करे हो, फॉर्मेशन होगा किसका, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ये सॉल्ट होगा अमोनियम सल्फेट प्लस में, ये हो गया। मिली इक्विलेंट्स देख लेते हैं कि सॉल्ट के मिली इक्विलेंट्स क्या है, कितने मिली इक्विलेंट सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, बेस के मिली इक्विलेंट क्या है, एसिड के मिली इक्विलेंट क्या है। तो पहले देखते हैं बेस के मिली इक्विलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन एमएल। तो इसके लिए एन फैक्टर वन ही है, तो नॉर्मेलिटी वही हो जाएगी जो मोलरिटी है, 0.2 × 30 यानी 6 मिली इक्विलेंट्स है इसके। इसके लिए मोलरिटी 0.1 m है, तो नॉर्मेलिटी 0.2 हो जाएगी, इसका एन फैक्टर 2 है, तो 0.2 × 20 यानी मिली इक्विलेंट्स क्या आएंगे इसके, 4 आएंगे। ठीक है, इसके 6 है और इसके 4 है, तो देखोगे 1 mEq 1 mEq को न्यूट्रलाइज करता है, तो 4 4 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये तो 0 रह जाएगा आपका रिएक्शन, और ये कितने रहेंगे 2। इसके कितने मिली इक्विलेंट्स का फॉर्मेशन होगा, 4। लास्ट में देखो, देखे क्या है लास्ट में, आपके पास में वीक बेस है और उस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट है। वीक बेस मिक्सर है किसका, वीक बेस प्लस में सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है वीक बेस प्लस में सॉल्ट है उस वीक बेस का, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ये बफर है, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन है। आप ये भी कह सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है विथ अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ अमोनियम आयन है, ये एग्जाम्पल है बेसिक बफर सॉल्यूशन का। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, इसका मतलब पीओएच का फॉर्मूला, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये फॉर्मूला है पीओएच का। ठीक है, पीकेबी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए पीकेबी है 4.7, सॉल्ट के लिए कंसंट्रेशन क्या आएगी, मिली इक्विलेंट से 4, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो 4/50, और ये हो जाएगा बेस के लिए कंसंट्रेशन हो जाएगी 2/50। बट वॉल्यूम से डिवाइड करने का कोई मीनिंग है नहीं, क्योंकि आप यहां पर भी टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, यहां पर भी करोगे, कोई मतलब नहीं है। तो पीओएच इज इक्वल टू क्या आएगा, पीओएच इज इक्वल 4.7 प्लस में लॉग बेस 10 4/2 यानी लॉग बेस 10 2, लॉग बेस 10 2 की वैल्यू 0.3, तो पीओएच इज इक्वल टू 5 आ गया। वी नो दैट एट 25 डिग्री सेल्सियस द सम ऑफ पीएच एंड पीओएच इज इक्वल टू 14, यानी टोटल जो होगा, टोटल जो होगा पीएच एंड पीओएच का टोटल वो 14 होगा। तो पीएच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, 14 है उसमें से पीओएच को माइनस कर दो, 9 आ जाएगा आपका आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, आपको ये केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखे हैं। द रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2 इज, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हो, देखना है फर्स्ट रिएक्शन ये दिए जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1 दे रखा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दे रखा है, और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2। आपको रिलेशन बताने को कहा है K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, देखे रिएक्शन को इन्वर्स भी कर रहे हो
और 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, रिएक्शन को इनवर्स भी कर रहे हो, इनवर्स कर रहे हो, इसका मतलब के टू इक्वल आएगा 1 अपॉन में के 1 और इसकी पावर आएगी 3। इसको इस तरह से भी नोट कर सकते हो, के 1 की पावर माइनस 3। तो के 2 इक्वल होगा किसके, के 1 की पावर माइनस 3 के। याद है, सिंपल सी प्रॉब्लम थी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, किसी भी रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री पर डिपेंड करता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। आप आपने जैसे ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है, आपने इस रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रिएक्शन को एन से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको कहे कि न्यू रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, तो के की पावर एन आ जाएगा, जिस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर आ जाएगी। आपको कहे कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए प्लस बी है कन्वर्ट इनटू सी प्लस डी है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के है, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो जस्ट इनवर्स किया आपने रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका आ जाएगा 1 बाई के, के इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ए मिक्सर ऑफ 100 मिलीमोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट वाज डिजॉल्वड इन वाटर एंड द वॉल्यूम वाज मेड अप टू 100 ml, द मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली आर। तो आपको क्या बताना है, एक तो मास बताना है कि कैल्शियम सल्फेट के कितने मास का फॉर्मेशन होगा, और आपको रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी बतानी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 100 मिलीमोल दे रखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, 100 मिलीमोल दे रखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, देखोगे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट, फॉर्मेशन होगा कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट, साथ में NaOH का भी फॉर्मेशन होगा। T इज इक्वल टू 0 पर इसके दे रखे हैं, T इज इक्वल टू 0 पर इसके 100 मिलीमोल दे रखे हैं, इसके लिए मास दे रखा है 2, इसके लिए मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दे रखा है 143, तो रख दो 143, ये मोल आएंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मिलीमोल में कन्वर्ट हो गए, तो ये मिलीमोल आएंगे 14 के अराउंड, 13.98 या 14 ले लो, इसके 14 मिलीमोल है, इसके 100 मिलीमोल है। लिमिटिंग रीजेंट आइडेंटिफाई करोगे, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा, ये है 14, तो कैल्शियम सल्फेट के कितने मिलीमोल का फॉर्मेशन होगा, 14 मिलीमोल का फॉर्मेशन, कैल्शियम सल्फेट के 14 मिलीमोल का फॉर्मेशन होगा, ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा, इसके 100 में से 14 मिलीमोल यूज होंगे, इसके कितने मिलीमोल का फॉर्मेशन होगा, 28 मिलीमोल का फॉर्मेशन, कोई डाउट नहीं है। आपको मास कहा था कि कैल्शियम सल्फेट के कितने मास का फॉर्मेशन होगा, तो 14 मिलीमोल है इनटू इसका मोलिकुलर वेट कर देंगे, तो 40 प्लस में 136 है, और क्वेश्चन में दे भी रखा है, 136 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मिलीग्राम में मास है, आपको ऑप्शन सारे ग्राम में दे रखे हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आप ये मास आएगा 1.9 ग्राम, ये कैल्शियम सल्फेट का मास आया है। ठीक है, अब आपको कहा है कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो 28 मिलीमोल का फॉर्मेशन हो रहा है, मोलरिटी क्या होगी हाइड्रोक्सिल आयन की, OH- की मोलरिटी क्या होगी, तो OH- की मोलरिटी होगी, मिलीमोल को ml वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 28 मिलीमोल का फॉर्मेशन हुआ है, 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.28 आएगी मोलरिटी हाइड्रोक्सिल आयन की, 0.28 मोल पर लीटर। ठीक है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके मिलीमोल भी रहे हैं पीछे, बट आपको देखो क्वेश्चन में दे रखा है, आपको देखो क्वेश्चन में ये दिया है, KSP दिया है, इसका मतलब ये स्प्रेंगली सोल्यूबल है, स्प्रेंगली सोल्यूबल का मतलब लेस सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट, इसको कंसिडर किया है, तो यहां से जो OH- की कंसंट्रेशन होगी उसके कंपेरिजन में उसको नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 0.28 मोल पर लीटर, और मास होगा कैल्शियम सल्फेट का 1.9 ग्राम। ठीक है, आपका आंसर ये आ जाएगा
1.9 ग्राम एंड 0.28 मोल पर लीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5.1 ग्राम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज इंट्रोड्यूस्ड इन 3 लीटर इवैक्यूएटेड फ्लास्क एट 327 डिग्री सेल्सियस। 30% ऑफ द सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डीकम्पोज टू NH3 एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एज गैसेस। द केपी ऑफ द रिएक्शन एट 327 डिग्री सेल्सियस इज, आपको केपी फाइंड आउट करना है। 5.1 ग्राम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड दे रखा है, किसमें? 3 लीटर फ्लास्क में, 327 डिग्री सेल्सियस पर। तो ठीक है, ये हो गया अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सॉलिड है, किसमें डीकम्पोजिशन होगा? अमोनिया में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस। T इज इक्वल टू जीरो पर ये है 5.1 ग्राम, डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, 5.1 को डिवाइड कर दिया 51 से, कितने मोल है इसके? 0.1 मोल है स्टार्टिंग में। और आपको कहा है कि 30% जो सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है उसका डीकम्पोजिशन हो गया है, तो 30% का डीकम्पोजिशन हो गया है, इट मीन्स क्या बताओगे? 0.1 में से माइनस कर दोगे, 0.1 में से माइनस कर दोगे कितना? 30%। तो देखते हैं 0.1 का 30% यानी 0.03। ये ले रखा है 0.1 मोल, 0.1 में से माइनस हो जाएगा 0.1 का 30% यानी 0.1 इंटू 30/100। ये फॉर्मेशन हो जाएगा 0.1 इंटू 30/100 यानी ये 0.03, ये भी 0.03, कोई डाउट नहीं है। अब गैसियस स्टेट में जो केसी आएगा इसका, केसी यही तो आएगा, केसी में क्या इंक्लूड होगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, ये मोल है 0.03, वॉल्यूम आपको कंटेनर का दे रखा है, फ्लास्क का वॉल्यूम 3 लीटर दे रखा है, तो केसी इज इक्वल टू ये आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3 से, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 10^-2 और ये आ जाएगा 10^-2। क्या आ गया केसी? 10^-4 आ गया, मोल की पावर 2, लीटर की पावर माइनस 2। ये केसी आया है, क्या रिलेशन होगा इसके लिए केपी और केसी में? तो इसके लिए केपी इज इक्वल टू ये आएगा केसी आरटी की पावर 2, केपी इक्वल होगा केसी आरटी की पावर 2, डेल्टा एन जो है, डेल्टा एन ये रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन होता है, डेल्टा एन जी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। प्रोडक्ट के गैसियस स्टेट में कितने मोल है? 2, और माइनस 0 हो गया तो डेल्टा एन कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, केसी आपको दे रखा है और कैपिटल टी है, आर है आपके पास, तो ये आ जाएगा 10^-4 आर टी, आर आ जाएगा 0.0821 इंटू टी, आपको टेम्परेचर दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस, तो ये 600 आ जाएगा और 2। ये रफली 50 के अराउंड आएगा, इसकी पावर 2 भी है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 0.242 एटीएम की पावर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द रिएक्शन, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एबो रिएक्शन इज केपी। ए प्योर अमोनिया इज लेफ्ट टू डिसोसिएट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय, एज्यूम दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 वेरी वेरी लेस देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। देखोगे आपको पार्शियल प्रेशर NH3 का फाइंड आउट करना है, और आपको कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 वेरी वेरी लेस देन
पी टोटल एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर देखोगे ये 2NH3 है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है N2 में और हाइड्रोजन में, स्टार्टिंग में जो इसका प्रेशर है, स्टार्टिंग में जो प्रेशर है इसका, उसको मैंने PI ले लिया, PI इनिशियल केस में। अब ये कह रहा है कि PNH3 वेरी वेरी लेस देन P टोटल, PNH3 वेरी वेरी लेस देन P टोटल एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर ये जो रहेगा ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में। इसकी इसका पार्शियल प्रेशर वेरी वेरी लेस देन टोटल प्रेशर है, इट मींस ये ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है किसमें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है, इट मींस ये आएगा P1/2 और ये आएगा 3P1/2। और इसको मैं जो इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर है, जो वेरी वेरी लेस देन है टोटल प्रेशर है, उसको PNH3 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये इक्विलिब्रियम पर, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या आएगा, पी टोटल क्या आएगा, पी टोटल आएगा P1/2 प्लस में 3P1/2। इसकी वैल्यू काफी कम है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, पी टोटल इक्वल आएगा 2P1 के। तो यहां से P1 इज इक्वल टू क्या आ गया, P1 इज इक्वल टू पी टोटल बाई 2 आ गया, ठीक है। KP इक्वल होता है, इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा वो क्या आएगा देखना, इसका जो KP आएगा वो क्या आएगा, तो आपको रिएक्शन के लिए KP दे रखा है, किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका KP दे रखा है, यहां NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है और आप NH3 को क्या कर रहे हो, डिसोसिएट कर रहे हो, तो डिसोसिएट कर रहे हो यानी रिएक्शन को इनवर्स किया है, रिएक्शन को इनवर्स किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इनवर्स हो जाएगा, तो क्या आएगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या आएगा 1/KP आएगा, 1/KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका आएगा वो के इक्विलिब्रियम 1/KP आएगा। तो 1/KP किसके इक्वल होगा, 1/KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो कि क्या है, P1/2 है, और P1 किसके इक्वल है, P/2 के इक्वल है, तो ये आ गया आपका P/4, ठीक है। वो आ गया 3/2 P1, इसका मतलब P1 को रिप्लेस कर देंगे P/2 से, तो क्या आ जाएगा ये 3P/4 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/ PNH3 है। आपको PNH3 यानी पार्शियल प्रेशर ही बताना है NH3 का, तो PNH3 इज इक्वल टू क्या आएगा, PNH3 की पावर 2 आ जाएगा, ये कोफिशिएंट 2 है, PNH3 की पावर 2 इज इक्वल टू PNH3 की पावर 2 इज इक्वल टू KP इनटू पी की पावर कितना आ गया, पी की पावर आ गई 4, पी की पावर 4, ये 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर कितना है, 4 की पावर 4 है, ये ओके। अब आपको PNH3 बताना है, तो PNH3 किसके इक्वल आ जाएगा, PNH3 इक्वल आएगा यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आएगा KP की पावर 1/2, ठीक है, P की पावर 2 अपॉन में क्या आएगा, 4 की पावर 2 आएगा, 4 की पावर 2 यानी 16 हो गया, 3 की पावर 3/2 आएगा, 3 की पावर 3/2 ये आ गया, जिस ऑप्शन में ये है ये करेक्ट। तो थीम क्या थी, क्वेश्चन की थीम ये थी कि पार्शियल प्रेशर जो NH3 का दे रखा था टोटल प्रेशर के कंपैरिजन में काफी कम दे रखा था, तो इससे आप ये कह सकते हो कि NH3 ऑलमोस्ट क्या है, ऑलमोस्ट डिसोसिएट हो गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक है। यानी इनिशियल इसका जितना प्रेशर लिया है इनिशियल, वो ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये जो है PNH3 काफी लो है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होगा। ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दे रखा है, KP की पावर 1/2, P की पावर 2 देख लो, KP की पावर 1/2, P की 3 की पावर 3/2, P की पावर 2 अपॉन में 16, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
सेकेंड आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। 25 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्स 30 ml ऑफ 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 m एक्वस NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और Na2CO3 में टाइट्रेशन है, तो वही टाइट्रेशन के लिए तो वही रूल NaVa इज इक्वल टू NbVb, मिली इक्वलेंट्स इक्वल करेंगे टाइट्रेशन में। NaVa इज इक्वल टू NbVb, Na आपको फाइंड आउट करना है, नहीं दे रखा है, ये 25 है। Nb नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, मोलेरिटी दे रखी है Na2CO3 के लिए, तो Na2CO3 के लिए मोलेरिटी दे रखी है, N फैक्टर 2 है इसका, तो 2 है तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी 0.2, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 30 से, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू, ये आएगा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू, पॉइंट टू फोर आ गया। ये नॉर्मेलिटी आ गई एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मेलिटी ये आ गई। अब आपको ये कहेगी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट 30 ml ऑफ 0.2 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, एक्वस NaOH सॉल्यूशन, तो वही अगेन वही अप्लाई करोगे NaVa इज इक्वल टू NbVb, Na नॉर्मेलिटी है एसिड की 0.24, वॉल्यूम आपसे काहे फाइंड आउट करने को काहे वॉल्यूम Va, Nb नॉर्मेलिटी बेस की, तो NaOH के केस में जो मोलेरिटी होगी वही नॉर्मेलिटी होगी 0.2, और बेस का वॉल्यूम दे रखा है 30 ml, ये आ जाएगा Va इज इक्वल टू 6/0.24, 25 ml है, आपका आंसर आ जाएगा 25 ml। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। टू सॉलिड्स डिसोसिएट्स एज फॉलोज, ये दे रखा है ए सॉलिड है, बी गैस एंड सी गैस में डिसोसिएट हो रहा है, डी सॉलिड दे रखा है ये डिसोसिएट हो रहा है सी गैस एंड ई गैस में। ठीक है, KP1 दे रखा है X ATM की पोर्ट 2 और KP2 दे रखा है Y ATM की पोर्ट 2, तो सिंपली देख लेते हैं, ए सॉलिड है कन्वर्ट हो रहा है, ए सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है बी गैस प्लस में सी गैस। ठीक है, इसके लिए स्टार्टिंग में जो मोल ले रहा हूं, स्टार्टिंग के मोल वो ए ले लिए, इसमें से स्मॉल m स्मॉल n कोई भी मोल डिसोसिएट कर दो, जो प्रेशर का फॉर्मेशन हुआ वो p एंड p ले रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही डी सॉलिड भी डिसोसिएट होगा, डी सॉलिड भी डिसोसिएट होगा किसमें, c गैस में एंड e गैस में, c गैस एंड e गैस में। ये एग्जाम्पल है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का, वन स्पीसीज कॉमन है, सी कॉमन है इसमें, इसके डिसोसिएशन से जो मोल डिसोसिएट हुए हैं वो जो प्रेशर जनरेट कर रहे हैं उसको पी डैश ले रहे हैं, तो सी के लिए प्रेशर क्या आ जाएगा पी प्लस पी डैश, क्योंकि सी का फॉर्मेशन ए से भी हो रहा है, सी का फॉर्मेशन डी से भी हो रहा है। तो अब अपन इसके लिए फर्स्ट के लिए आपको दे रखा है KP1 दे रखा है, KP1 किसके इक्वल दे रखा है, KP1 इज इक्वल टू X दे रखा है, इज इक्वल टू क्या आएगा देखना P into P plus P dash, ये होगा। KP2 इज इक्वल टू Y दे रखा है आपको, इज इक्वल टू क्या आएगा P dash P plus P dash, ऐड कर देते हैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई आएगा, किसके इक्वल होगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, तो ये देखना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू,
ये हो गया पी स्क्वायर प्लस में पी पी डैश, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा पी स्क्वायर प्लस में टू पी पी डैश प्लस में पी डैश की पावर टू, पी डैश की पावर टू। इसको नोट कर सकते हैं इस तरह से, पी प्लस पी डैश की पावर टू इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। तो यहां से p प्लस पी डैश किसके इक्वल आएगा, p प्लस पी डैश इक्वल आएगा रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, आपको टोटल प्रेशर कहा था, टोटल प्रेशर कहा था तो आपके पास में थ्री गैसेज है, बी गैस भी है, सी गैस है और ई गैस है। टोटल कर दो इनका प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, p तो इसका है पार्शियल प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर p डैश है, तो p प्लस पी डैश और प्लस में p प्लस पी डैश, तो क्या आ गया टोटल प्रेशर, क्या आ गया टोटल प्रेशर यानी पी टी किसके इक्वल है, टू पी प्लस पी डैश। तो आप टू टाइम कर दोगे इसको, ये आ जाएगा टू रूट एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में था ये, देखते हैं। टू इंटू रूट एक्स प्लस वाई, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन ए प्लस टू बी कन्वर्ट इन टू टू सी प्लस डी, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, बट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर फाउंड टू बी इक्वल, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द एफोरसेड केमिकल रिएक्शन इज, इस केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, ये कहा है आपसे। तो ये ले लेते हैं ई प्लस में टू बी कन्वर्ट इनटू टू सी प्लस में डी, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ए की जो कंसंट्रेशन है, ये ए लिया है तो वो 1.5 ए लेंगे, ये ए है तो ये है 1.5 ए, ये क्या है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब देखना ये ए माइनस एक्स होगा, ये 1.5 ए माइनस 2x होगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा 2x का और ये फॉर्मेशन हो जाएगा x का। अब क्या कहा है इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर ए एंड बी की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब ये हो गया ए माइनस एक्स इक्वल है किसके, 1.5 ए माइनस 2x, क्या आ जाएगा यहां से, x इज इक्वल टू 0.5 ए, ये आ गया x इज इक्वल टू 0.5 ए। ठीक है, x की जगह 0.5 ए ले लो तो ये क्या रह जाएगा, a में से 0.5 ए माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बताओगे, 0.5 ए 1.5 ए, उसमें से 2x माइनस हो गया यानी ये माइनस हो गया तो ये भी क्या रहेगा, 0.5 ए रहेगा, 2x है, 2x है, इसका मतलब ये a आ गया और ये क्या आ जाएगा 0.5 ए। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आ गई सबकी, अब केसी बताना आपको, तो क्या आएगा इसके लिए केसी, केसी इज इक्वल टू ए की पावर टू इंटू 0.5 ए अपॉन में 0.5 ए, ये हो जाएगा 0.5 ए की पावर टू, 0.5 ए की पावर टू का मतलब 0.25 ए स्क्वायर, केसी इज इक्वल टू आ जाएगा 4, केसी इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है 4, तो ये दे रखा है थर्ड ऑप्शन में 4। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50 ml ऑफ 0.5 m ऑक्जेलिक एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ द गिवन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है 50 ml सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट क्या होगा। तो वही तरीका, इन न्यूट्रलाइजेशन मिली इक्विलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मिली इक्विलेंट ऑफ बेस, 50 ml ऑफ 0.5 m ऑक्जेलिक एसिड है, ये है ऑक्जेलिक एसिड,
एन फैक्टर या बेसिसिटी क्या है इसकी, टू है। तो क्या बताएंगे, एन ए वी ए इज इक्वल टू, एन ए वी ए इज इक्वल टू एन बी वी बी, एन ए वी ए इज इक्वल टू एन बी वी बी। एन ए नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ये आ जाएगी वन इन टू, वी ए 50 इज इक्वल टू एन बी, फाइंड आउट करनी है नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इन टू इन टू वी बी, वी बी का मतलब बेस का वॉल्यूम 25। नॉर्मेलिटी ऑफ बेस क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस आएगी 2, बेस की नॉर्मेलिटी 2 आएगी, ठीक है। क्या मीनिंग है, नॉर्मेलिटी बेस की 2 है, मोलेरिटी भी क्या होगी, मोलेरिटी भी 2 होगी। मोलेरिटी 2 होने का क्या मीनिंग है, 2 मोल्स ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml में 2 मोल होंगे, 1000 ml में 2 मोल, 2 मोल NaOH का क्या मीनिंग है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, तो 2 मोल्स का मीनिंग हो गया 80 ग्राम, 80 ग्राम है 1000 ml में, पर ml में कितना होगा, पर ml में होगा 80 अपॉन में 1000। आपको ये कहा है कि 50 ml में कितना होगा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 50 ml सॉल्यूशन है उसमें NaOH का अमाउंट क्या होगा, 50 ml में क्या होगा, तो 50 ml के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 80 अपॉन में 1000 इंटू 50, ये आपका आएगा 4 ग्राम। आपको ऑप्शन ये गलत दे रखा है, यहां आंसर आएगा 4 ग्राम, 4 ग्राम होगा NaOH का अमाउंट, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्या किया, NaVA इज इक्वल टू NbVB कर दिया, फिर नॉर्मेलिटी आ गई, जो नॉर्मेलिटी थी वही मोलेरिटी थी, 1000 ml में 80 ग्राम है, पर ml में ये आ गया, 50 ml में क्या आएगा, तो 50 ml में कितना आ जाएगा, 4 ग्राम आएगा, 4 ग्राम इन 50 ml, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ KSP ऑफ Ag2CO3 यानी सिल्वर कार्बोनेट इज 8 × 10⁻¹2, द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.1 MgNO3 इज, तो देखते हैं Ag2CO3 है इस तरह से, Ag2CO3 कैसे आयोनाइज होगा, 2Ag++ में कार्बोनेट, ठीक है। ये 2s और ये s, अब आपको किसकी प्रेजेंस में बतानी है, AgNO3 की प्रेजेंस में बतानी है, AgNO3 की प्रेजेंस में बतानी है, इसका मतलब ये Ag प्लस प्लस में NO3 माइनस में आयोनाइज होगा। इसकी मोलेरिटी या कंसंट्रेशन को C ले लेता हूं, तो Ag प्लस की कंसंट्रेशन C हो जाएगी, ये भी C, तो Ag प्लस टोटल कितना हो जाएगा, 2s+C, ठीक है। KSP ऑफ Ag2CO3 इज इक्वल टू KSP इज इक्वल टू क्या आएगा, KSP इज इक्वल टू Ag प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2, तो 2s+C की पावर 2 और इनटू s आ जाएगा, तो KSP इज इक्वल टू ये आएगा, KSP इज इक्वल टू ये आ गया 4s³ प्लस में 4s²c प्लस में sc²। वैसे भी सॉल्युबिलिटी लो है, और लो है इसका मतलब, और कॉमन आयन की प्रेजेंस में और भी डिक्रीज होगी, तो इनकी जो हायर टर्म्स है, सॉल्युबिलिटी का क्यूब है, सॉल्युबिलिटी की पावर 2 है, इनको इस टर्म के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हायर टर्म है। जैसे अगर आपको कहे कि 10⁻¹⁰ है, अगर पावर इंक्रीज करेंगे, जैसे 2 कर दिया, तो ये तो 10⁻²⁰ हो गया, पावर 3 है तो 10⁻³⁰ हो गया, तो 10⁻¹⁰ के कंपैरिजन में 10⁻³⁰ को क्या कर सकते हो आप, नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो जो भी हायर पावर है उनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू ये आएगा SC², तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP/C²। KSP आपको दे रखा है 8 × 10⁻¹2, और इसको डिवाइड कर दो C² से, C आपको दे रखा है, मोलेरिटी दे रखी है AgNO3 की, कितनी दे रखी है 0.1, 10⁻²⁺ से डिवाइड कर, तो 8 × 10⁻¹⁰ आएगा, 8 × 10⁻¹⁰, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है,
If solubility product of ZR3PO4 is denoted by Ksp and its molar solubility is denoted by capital S, then which of the following relation between solubility and Ksp is correct? तो Ksp और solubility में relation बताना है. We know that for salt AXBY, the relation between Ksp and solubility is x की power x. Ksp is equal to क्या आता है, x की power x, y की power y and solubility की power x plus y. ठीक है, x की power x, यहां x 3 है, 3 की power 3, 4 की power 4 and solubility की power क्या आ जाएगी, solubility की power 7 आ जाएगी. ठीक है, यहां से solubility बताना आपको, सॉलिबिलिटी बताना है. तो सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये Ksp अपॉन में 6912 और इसकी पावर हो जाएगी 1/7, ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन. इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, K1 is equal to ये, SO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, फिर यहां पर सल्फर एंड ऑक्सीजन से SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, K2 is equal to दे रखा है. आपको कहे कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो पहले तो ये देखो ये रिएक्शन कैसे आएगी इन दोनों रिएक्शन से, ये इन दोनों रिएक्शन से ये ओवरऑल रिएक्शन कैसे आएगी, तो ध्यान देना 2SO3, इसका मतलब सेकेंड रिएक्शन तो एज इट इज है, फर्स्ट रिएक्शन में 2SO2 है, यहां सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है बट 1 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और सेकेंड में से इस रिएक्शन को माइनस भी करना होगा. यानी क्या आएगा ओवरऑल रिएक्शन के लिए, के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, पहले तो ये देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन आएगी कैसे. सेकेंड में से माइनस करोगे फर्स्ट रिएक्शन को, किससे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, फिर ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी. सेकेंड रिएक्शन में से माइनस करना है फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम आएगा K2 अपॉन में K1 की पावर 2. K2 कितना है, K2 है 10 की पावर 129 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 104. तो आपका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, 10 की पावर 25 आएगा, 10 की पावर 25 हो गया है. In an acid based titration, 0.1 m hydrochloric acid solution was added to the NaOH solution. आपके पास में ऑलरेडी NaOH का सोल्यूशन है, ठीक है, और उसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन एड कर रहे हो अननोन स्ट्रेंथ का. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द चेंज ऑफ pH ऑफ द टाइट्रेशन मिक्सर इन दिस एक्सपेरिमेंट. तो कुछ भी नहीं है, pH और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिलेशन है. आप किसको ऐड कर रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहे हो, आपके पास में क्या है, आपके पास में NaOH है, NaOH का सॉल्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 13 के क्लोज होगी. ठीक है, इसमें आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे तो जब मिली इक्विलेंट इक्वल हो जाएंगे उस टाइम पीएच 7 होगी और उसके बाद में 1 ड्रॉप भी ऐड करोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन होगा. तो पीएच क्या होगी, बिफोर एडिशन, यानी जब वी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 ml है, वी हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0 ml है, तब ये स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है. पीएच किसके क्लोज होगी, 14 के क्लोज होगी. जब सेम मिली इक्विलेंट ऐड कर दोगे पीएच क्या आएगी, डिक्रीज होकर के 7 होगी. और फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके मिली इक्विलेंट एक्स्ट्रा होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन होगा, पीएच क्या होगी, 0 के क्लोज होगी. तो देखो देखे ये ग्राफ जो है ये करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है. स्टार्टिंग में पीएच हाई है, ये 7 हो गई है, ये एंड पॉइंट की पीएच रेंज है 3 से लेकर 10 तक होती है और उसके बाद में ये देख लो ये कंडीशन. यहां ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो रहा है, ये कह रहा है कि पहले जो पीएच है 0 के क्लोज है और बाद में पीएच 14 के क्लोज है. और इस टाइप का वेरिएशन का तो मतलब ही नहीं था. जब भी न्यूट्रलाइजेशन करते हो, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी पीएच 14 के क्लोज है, फिर क्या होगा, जैसे ही न्यूट्रल पॉइंट आएगा
एंड पॉइंट आएगा, एंड पॉइंट पर पीएच सडनली डिक्रीज होगी टू ड्रॉप में, फर्स्ट ड्रॉप से 7 हो जाएगी, नेक्स्ट ड्रॉप ऐड करते ही डायरेक्टली क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग बेस कन्वर्ट हो गया। तो ये आएगा ये ग्राफ, पहले हाईली एसिडिक बाद में हाईली बेसिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। द पीएच ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग 400 ml ऑफ 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड एंड 400 ml ऑफ 0.1 m NaOH विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.3। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, तो एसिड भी है बेस भी है, मिली इक्विलेंट किसके ज्यादा होंगे, तो 400 इंटू 0.2 कर दोगे, ये 80 आ गए इसके मिली इक्विलेंट किसके, एसिड के। बेस के मिली इक्विलेंट 40 है तो माइनस 40 कर दो, मिली इक्विलेंट ऑफ एसिड मोर देन मिली इक्विलेंट ऑफ बेस है, अपॉन में टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 400 और ये 400 कितना हो गया 800, क्या आ जाएगा 40/800, 1/20 आ गया, क्या आ गया 1/20, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आई है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर 1/20 है तो पीएच क्या आएगी, पीएच आएगी माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यानी 1/20, यानी पीएच इज इक्वल टू लॉग बेस 10 20, और लॉग बेस 10 20 की वैल्यू यही होती है 1.3 होती है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल KW जो है KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द इफेक्ट इज गिवन बाई, ये इफेक्ट ऐसे बताया जाता है लॉग बेस 10 KW2 अपॉन में KW1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन में 2.303 R, ये हो जाएगा T2 - T1 और ये T1 × T2, ये इफेक्ट ऐसे बताया जाता है डेल्टा एच आई, ये हीट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर है। KW इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिल्कुल करेक्ट है ये सेकेंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, देखते हैं ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड मीन्स एच ए है, इसके लिए के दे रखा है और पीएच भी दे रखी है, पीएच दे रखी है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 10^-5 आ जाएगी, माइनस पीएच का एंटीलॉग होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिड इज 50%, यानी अल्फा 0.5 है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं अभी थर्ड स्टेटमेंट के लिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, ऐसे आयोनाइज होगा ये इस तरह से, स्टार्टिंग में 1001 माइनस अल्फा, ये अल्फा एंड अल्फा, कंसंट्रेशन के लिए सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आता है सी अल्फा एंड सी अल्फा, तो क्या होता है इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इज इक्वल टू सी अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा C1 - अल्फा, ठीक है, ये आ गया के आपको दे रखा है 10^-5, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ही तो होती है सी अल्फा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको पीएच दे रखा है 5, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या आ गई 10^-5, तो ये रख दोगे 10^-5, ये अल्फा है ये 1 - अल्फा, तो ये आ गया आपका 1 - अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, इट मींस ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब फोर्थ देखते हैं, द ली सेटेलिए प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट में ली सेटेलिए प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ली सेटेलिए प्रिंसिपल कॉमन आयन इफेक्ट में, ये देख लो कॉमन आयन इफेक्ट है, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड है, ये इक्विलिब्रियम है, वीक बेस है, इसमें NS4Cl ऐड किया है, NS4Cl ऐड किया है, इट मींस आयोनाइज होगा NS4+ में Cl-, अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और यही तो प्रिंसिपल है ली सेटेलिए प्रिंसिपल, यही तो है जो ये कहता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपके कौन कौन से स्टेटमेंट सही है,
ये कह रहा है कि नोट एप्लीकेबल, इसका मतलब ये गलत हो गया, बाकी ए बी सी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन दिया है डेल्टा एच इज इक्वल टू -57.2 किलो जूल पर मोल एंड के सी इज इक्वल टू 1.7 × 10^16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है ये बताना है। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये करेक्ट है बिल्कुल, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका क्या नहीं है, आंसर नहीं है, क्योंकि आपको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना। नेक्स्ट में द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज लार्ज, काफी लार्ज है, देख सकते हो 10^16 है, नॉर्मल रेंज होती है 10^-3 से 10^3, 10^16 है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया है किसमें, रिएक्टेंट ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, डोमिनेट कौन है, प्रोडक्ट डोमिनेट है, रिएक्शन क्लोज टू कंप्लीशन है एट इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड। देखते हैं क्या कहा है, ये लाइन सही है, क्लोज टू कंप्लीशन होगी इक्विलिब्रियम पर, बट ये कह रहा है कि एंड सो नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी इसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी बताएगा, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज होने का मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट डोमिनेट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहां से कुछ भी ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इसकी इंफॉर्मेशन वहां से नहीं मिल रही है। थर्ड देखते हैं, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज द प्रेशर इंक्रीजेज, देन द प्रेशर इंक्रीजेज, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, पी को इंक्रीज करोगे तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की ओर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, और लेस मोल्स की ओर शिफ्ट होगा इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, ये करेक्ट है, इसका मतलब आपका आंसर नहीं है। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एज वेल एज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑल्सो। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का, और इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट है, ये आधी लाइन भी करेक्ट है, गोइंग टू क्लोज क्लोज टू कंप्लीशन यहां पर थोड़ा सा कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट होता तो क्या आता, यहां द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इज लार्ज सजेस्टिव ऑफ रिएक्शन क्लोज टू कंप्लीशन एट इक्विलिब्रियम, ये करेक्ट था, गोइंग टू कंप्लीशन एंड सो नो कैटलिस्ट रिक्वायर, कैटलिस्ट रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कैसे बताएगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इसका मतलब आपका आंसर है, इनकरेक्ट ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये कैपिटल एच है, पीएच इज इक्वल टू, किसकी पीएच फाइंड आउट करनी है, 0.02 अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल बी, इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है, तो ये एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है, ये सॉल्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्ट है NH4Cl। तो यदि आपको कहे कि कौन सा एसिड कैसा है, बेस कैसा है, तो यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, क्या होगा इसके लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का सॉल्ट है, क्या होगा इसके लिए पीएच का फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू ये होगा 7 - ½ pKb - ½ log base 10 C, ये फॉर्मूला होगा इसके लिए, 7 - pKb आपको क्वेश्चन में दे रखा है, केबी दे रखा है, तो पीकेबी आ गया 5, क्योंकि पीकेबी इक्वल होता है किसके, -log base 10 kB के, पीकेबी इक्वल होता है -log base 10 kB के, तो पीकेबी आ गया आपका 5 / 1/2 × 5 - 1/2 log base 10 C, सी आपको दे रखा है 0.02 log base 10 2/100 यानी 1/50, ये हो जाएगा 7 - 2.5, ये प्लस कर देता हूं 1/2 log 20 की वैल्यू, ये log 50 की वैल्यू ये हो जाएगी, ये माइनस की जगह प्लस कर दिया, ये इसको इन्वर्स कर दिया, 0.85 है ये, तो 7.85 में से माइनस करना है 0.2
2.5 को 7.85 में से माइनस करना है 2.5 को, 5.35 आंसर आएगा इसका, 5.35। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ही डायरेक्टली सॉल्ट दे करके पीएच फाइंड आउट करने को कहा, आपको इवन लॉग की भी वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इन 0.2 mNaOH सॉल्यूशन गिवन दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू ये। KSP दे रखा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP दे, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आयोनाइज होगा Al+3 प्लस में 3OH-। अब NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो यहां से जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से के आयोनाइजेशन से जो OH- की कंसंट्रेशन होगी जो कि 3S है, वो 0.2 के कंपैरिजन में काफी कम होगी, काफी कम होगी, तो आप क्या कर सकते हो 0.2 के कंपैरिजन में उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका ये 0.2 है और ये S है, तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल टू ये रहेगा 0.2 की पावर 3 कर देंगे, 0.2 की पावर 3 का मतलब 2 × 10⁻¹³ KSP कितना दे रखा है 2.4 दे रखा है, 2.4 × 10⁻²⁴ ये सॉल्युबिलिटी, इसकी पावर 3 है तो ये आएगा 8 × 10⁻³ तो यहां से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बतानी है, सॉल्युबिलिटी बतानी है तो ये डिवाइड कर दो 2.4 × 10⁻²⁴ और ये आ गया 8 × 10⁻³ क्या आ जाएगा 3 × 10⁻²⁰ ये आ रहा है 3 × 10⁻²⁰ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी टाइप की प्रॉब्लम है, सेम टाइप की। द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इज 1.84 × 10⁻⁵ m इन वाटर। द एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम हाइड्रोक्साइड इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH इज इक्वल टू 12। तो pH इज इक्वल टू 12 है, इट मींस pOH इज इक्वल टू क्या आएगा, pOH इज इक्वल टू आएगा 2, 14 − 12। यहां से हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन यानी OH- की कंसंट्रेशन आएगी 10⁻²। ठीक है, अब ये आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है ना कि KSP है, ये सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी किसके इक्वल होगी, कैडमियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड ऐसे आयोनाइज होता है, Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए अगर कहे ये हो गया S mol/L, 2S mol/L, तो यहां से KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KSP आएगा 4S³। ये सॉल्युबिलिटी दे रखी है वाटर में, ये यहां रख देंगे, इक्वल करेंगे उसको किसके, देखना KSP इज इक्वल टू 4S³, तो KSP किसके इक्वल आ जाएगा 4 × 1.84 × 10⁻⁵ इसका क्यूब कर दो इज इक्वल टू 4S³ इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, KSP आ गया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हो गया है, अब कैसे, प्रीवियस क्वेश्चन में भी KSP था, अब आपको क्या कहा है, आपको उस बफर में बताना है pH, उस बफर में बताना है सॉल्युबिलिटी जिसकी pH है 12 हो, यानी pOH है 2, यानी OH- है 10⁻²। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या आएगा ये सॉल्युबिलिटी, ये 10⁻²² यानी 10⁻⁴ आ जाएगा। देख लो यहां से जो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 × 1.84 × 10⁻⁻¹ ये आएगा आपके सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 4 × 1.84³ × 10⁻¹⁵ अपॉन में 10⁻⁴ तो ये 10⁻¹⁵ आ गया
मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 2.49 इंटू 10 की पावर माइनस 10 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया केपी नॉट इक्वल टू केसी, केपी नॉट इक्वल टू केसी का है, तो पहले ये देख लेते हैं केपी केसी के इक्वल कौन सी रिएक्शन में होगा, तो केपी इक्वल होता है केसी आरटी की पावर डेल्टा एन, जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जीरो होगा उन रिएक्शन के लिए केपी इक्वल होगा केसी के, तो जिनके लिए डेल्टा एन जीरो है उनके लिए केपी केसी के इक्वल होगा, जिनके लिए डेल्टा एन जीरो नहीं है उनके लिए केपी नॉट इक्वल टू केसी होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एन जीरो है केपी केसी के इक्वल होगा, आपका आंसर नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू का है ना, सेकेंड भी आपका आंसर नहीं है, थर्ड में भी डेल्टा एन जीरो आपका आंसर नहीं है, फोर्थ में डेल्टा एन वन है आपका आंसर ये है, केपी इज इक्वल टू यहां आएगा केसी इंटू आरटी आएगा, डेल्टा एन वन है इसके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी ईच ऑफ 100 लीटर वाज मेड बाय डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH एंड 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर रेस्पेक्टिवली, द पीएच ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम मिक्सिंग 40 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ए एंड 10 लीटर ऑफ सॉल्यूशन बी इज, तो फर्स्ट ये देखते हैं कि नॉर्मेलिटी क्या आएगी एसिड की, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड Na, Na क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 9.8 ग्राम है, मॉलिक्यूलर वेट 98 है 100 लीटर में, तो 10 की पावर माइनस 3 आ गया नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ऐसे ही नॉर्मेलिटी ऑफ बेस बताएंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस भी यही आ जाएगा, ये मोलरिटी आई है ये 49 होगा, देखना यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये 49, तो ये 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये आ जाएगा 4/40, 100 लीटर में है तो ये आपका आएगा 10 की पावर माइनस 3, तो नॉर्मेलिटी एसिड की आ गई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, नॉर्मेलिटी बेस की आ गई 10 की पावर माइनस 3। अब वही फॉर्मूला NaVa एंड NbVb में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आपको सॉल्यूशन ए के 40 लीटर दिए हैं, सॉल्यूशन ए का मतलब किसका सॉल्यूशन है NaOH का, उसके 40 लीटर लिए हैं, तो देखते हैं NaVa क्या आ रहा है NbVb क्या आ रहा है, NaVa आ रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, Va कितना है एसिड का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है, ऐसे ही अगर NbVb कहे तो NbVb में नॉर्मेलिटी ऑफ बेस 10 की पावर माइनस 3 है बट इसका वॉल्यूम है 40 लीटर, तो NbVb मोर देन NaVa है, NbVb मोर देन NaVa तो माइनस करोगे NbVb में से NaVa को माइनस करोगे, क्या रहेगा पीछे 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये रहेगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड कर दो 50 से, ठीक है ये आ जाएगा आपके 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये किसकी कंसंट्रेशन आएगी, ये बेस की कंसंट्रेशन आएगी, नॉर्मेलिटी आएगी बेस की, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस यानी हाइड्रोक्सी लाइन की कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड होता तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस का मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन, तो यहां से POH बता दोगे, POH कितना आ जाएगा, POH आएगा ये 4 माइनस लॉग 4 ये आ जाएगा 3.4 आएगा, 3.4 आएगा POH, आपको क्या बताना है pH बताना है, 14 में से माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 10.6, नेक्स्ट देखते हैं, द अमोनिया रिलीज्ड ऑन क्वांटिटेटिव रिएक्शन ऑफ 0.6 ग्राम यूरिया विद सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय, यूरिया एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से जो NH3 रिलीज हुई है 0.6 ग्राम यूरिया है, तो 1 मोल से 2 मोल NH3 रिलीज होती है, 1 मोल यूरिया से 0.2 मोल NH3 रिलीज होती है NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, तो देखते हैं
यूरिया के मोल क्या है, यूरिया के मोल एन यूरिया मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू क्या बताओगे, 0.6 ग्राम है, 0.6 अपॉन में 60, ये आ गया आपका 10^-2 यूरिया के मोल, ये आ गए। इसी डबल मोल NH3 का फॉर्मेशन होगा, यानी NH3 के मोल क्या होंगे, NH3 के मोल आ जाएंगे 2×10^-2, 2×10^-2 ये मोल आ गए NH3 के। मिली इक्विलेंट भी वही होंगे NH3 के, 2×10^ मिली इक्विलेंट अगर कहे, ये मोल आ गए, मिली मोल अगर कहे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 है, 20 मिली मोल है। मिली इक्विलेंट्स कहे तो NH3 के लिए n फैक्टर 1 ही है, तो मिली इक्विलेंट्स भी वही होंगे 20 होंगे। तो आप ऑप्शन में से ये देख लो कि 20 मिली इक्विलेंट्स कहाँ आ रहे हैं, 20 मिली इक्विलेंट्स कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देख लो 100×0.1 यानी 10 मिली इक्विलेंट्स है, 200×0.2 यानी 40 मिली इक्विलेंट्स है, यहाँ 20 मिली इक्विलेंट्स है और यहाँ 80 मिली इक्विलेंट्स है। 20 जहाँ आएंगे उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो, एग्जैक्टली न्यूट्रलाइजेशन के लिए 20 मिली इक्विलेंट्स की रिक्वायरमेंट। हाँ, तो 1 मोल यूरिया से 2 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा, साथ में 2NH3 के। तो सबसे पहले यूरिया के मोल बताए, उससे डबल मोल बताए NH3 के, मिली मोल आगे 20, मिली इक्विलेंट्स कितने होंगे 20, 1 मिली इक्विलेंट के लिए 1 मिली इक्विलेंट एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, तो 20 के लिए 20 मिली इक्विलेंट एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट द सॉल्यूशन मेड अप टू 500 ml, टू 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन में नहीं, टू 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन 1/2 ml ऑफ 5 ml NaOH इज एडेड, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज, ठीक है 3 ग्राम एसिटिक एसिड ऐड किया है 250 ml में, नॉर्मेलिटी क्या आएगी, इसके मिली इक्विलेंट कितने हैं, पहले तो NaOH के मिली इक्विलेंट कितने ऐड करे हो, 2.5 ऐड करे हो, ठीक है 3 ग्राम एसिटिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। तो पहले आप सिनेरियो समझो पूरा, इधर देखना ध्यान से, आपके पास में ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, कितने मिली इक्विलेंट है इसके, 25 मिली इक्विलेंट, टोटल वॉल्यूम है 250 ml, आपने इसमें 3 ग्राम एसिटिक एसिड और ऐड किया है, 3 ग्राम एसिटिक एसिड ऐड किया है इसमें, ठीक है, फिर इसका ये जो सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट करके 250 ml से 500 ml कर दिया, तो 500 ml के अंदर मिली इक्विलेंट कितने हुए, मिली इक्विलेंट तो वही रहेंगे, डाइल्यूट करने से मिली इक्विलेंट पर तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, कितने मिली इक्विलेंट है 25, 1 ml में कितने होंगे, तो ये आ जाएगा 25/500, आपने इसका कितना लिया है 20 ml लिया है, 20 ml, 20 ml के अंदर एसिड के मिली इक्विलेंट कितने होंगे, तो 20 ml के अंदर एसिड के मिली इक्विलेंट ये आ जाएंगे 1/25/500×20 यानी 1 मिली इक्विलेंट आ गया। उस 20 ml सॉल्यूशन में 1 मिली इक्विलेंट है किसका, एसिड का, बेस के कितने मिली इक्विलेंट ऐड किए 2.5, इसका मतलब ये हुआ कि एसिड तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, ये 2.5 में से कितना गया 1 मिली इक्विलेंट गया, अब क्या रहा, अब इसमें 3 ग्राम एसिटिक एसिड है और उसमें ऐड करे आप 1.5 मिली इक्विलेंट ऐड करे हो किसके, NaOH के, 3 ग्राम एसिटिक एसिड है, इसका मतलब क्या हुआ 3/60 ये मोल है, मिली मोल की बात करें तो ये आ जाएगा 50, थ्री ग्राम एसिटिक एसिड है, ध्यान देना 3 ग्राम एसिटिक एसिड का मतलब ये हो गया 50, ये 50 जो है मिली मोल कह दो, मिली इक्विलेंट कह दो, ये कितने में है 500 ml में, तो 20 ml में कितना होगा, 20 ml के अंदर कितना होगा, तो 50 मिली इक्विलेंट है इन 500 ml सॉल्यूशन, तो 20 ml के अंदर कितने मिली इक्विलेंट होंगे इसके, देखना 500 के अंदर 50 मिली इक्विलेंट, 1 के अंदर ये आ गया 50/1/10, 20 के अंदर क्या बता दोगे 2 मिली इक्विलेंट,
यानी जो 20 ml सॉल्यूशन है उसमें इसके 2 मिली इक्विवेलेंट एसिडिक एसिड के, 2 मिली इक्विवेलेंट एसिडिक एसिड के, 1 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था, इसके अंदर आपने 2.5 मिली इक्विवेलेंट ऐड किए NaOH के। मैं वापस समराइज कर रहा हूं क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज पे देखना, इधर ये 20 ml है, 20 ml, इस 20 ml के अंदर 1 मिली इक्विवेलेंट तो किसका है, 1 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, प्लस 2 मिली इक्विवेलेंट है, 2 मिली इक्विवेलेंट है किसका, एसिटिक एसिड, 2 मिली इक्विवेलेंट इसमें ऐड किया, किया है इसमें ऐड किया है 2.5 मिली इक्विवेलेंट ऐड किए हैं NaOH, ठीक है। अब 2.5 मिली इक्विवेलेंट NaOH के ऐड किए तो 1 मिली इक्विवेलेंट तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसका पीछे कितना रहेगा, 1.5 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। 1.5 मिली इक्विवेलेंट रहा NaOH का और 2 मिली इक्विवेलेंट है एसिटिक एसिड के, इनकी रिएक्शन होगी, एसिटिक एसिड प्लस में NaOH फॉर्मेशन होगा, सोडियम एसिटेट एंड वाटर का, इसके कितने मिली इक्विवेलेंट, 2, इसके कितने मिली इक्विवेलेंट रह गए, 1.5, रिएक्शन करेगा तो ये 0.5 रहेगा, इसके कितने का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1.5 का। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है इसका मतलब आप इसकी पीएच कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीएच इज इक्वल टू पीके ऑफ एसिडिक एसिड प्लस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। आपको पीके की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पीके की वैल्यू दे रखी है आपको, पीके दे रखा है 4.75, ठीक है, तो 4.75 दे रखा है तो रख देते हैं पीके 4.75 प्लस में लॉग बेस 10 क्या आएगा, 1.5 अपॉन में 0.5 यानी लॉग बेस 10 3, 4.75 में ऐड कर दो 0.48, 0.4771 होती है लॉग 3 की वैल्यू, क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू दे रखी है क्या, लॉग की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0.4771 दे रखा है, 0.4771 ऐड कर दो 5.2271, ठीक है, ये आ गया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टोइकोमेट्री एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्ट विथ द सोल्युबिलिटी कर्व गिवन बिलो इज रेस्पेक्टिवली, यानी आपको क्या बताना है, एक तो ये बताना है कि सॉल्ट जो है वो किस टाइप का है, उसकी स्टोइकोमेट्री क्या है, और सेकेंड KSP बताना है, इस ग्राफ से बताना है आपको, KSP बताना है और सॉल्ट बताना है। इस साइड में X की कंसंट्रेशन है और इस साइड में Y की कंसंट्रेशन है, मिली मोलर दे रखा है, एक्स की कंसंट्रेशन है मिली मोलर में, तो देखते हैं 1 के कोरेस्पॉन्ड में ये लाइन है 1 के लिए, इसकी जब कंसंट्रेशन 1 है, जब एक्स की कंसंट्रेशन 1 है तो वाई की कंसंट्रेशन क्या है, एक्स की कंसंट्रेशन 1 है तो वाई की कंसंट्रेशन 2 है, इसका मतलब जितनी कंसंट्रेशन एक्स का फॉर्मेशन होगा उसे डबल कंसंट्रेशन वाई का फॉर्मेशन होगा, और ये ओनली तभी पॉसिबल है जब ये सॉल्ट इस टाइप का हो, एक्स वाई टू टाइप का हो, तभी ऐसा होगा, एक्स प्लस टू टू वाई माइनस, तभी ऐसा होगा कि इसके 1 का फॉर्मेशन होगा तो इसके 2 का फॉर्मेशन होगा, यहां 2 का फॉर्मेशन होगा तो ये 4 का फॉर्मेशन होगा, ये तभी पॉसिबल है जब सॉल्ट किस टाइप का हो, एक्स वाई टू टाइप का हो। ये देखो इस साइड में वाई दे रखा है, इस साइड में एक्स दे रखा है, वेन एक्स इज 1 देन वाई इज 2, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है मिली मोलर में दे रखा था, 1 × 10⁻³ और ये 2 × 10⁻³, यहां से KSP फाइंड आउट कर दो, KSP ऑफ एक्स वाई टू, KSP ऑफ एक्स वाई टू 1 × 10⁻³ और ये 2 × 10⁻³, यानी 4 × 10⁻⁶, तो आपका KSP आ जाएगा 4 × 10⁻, सॉल्ट होगा एक्स वाई टू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, एसिडेशन रीजन टाइप का प्रॉब्लम है, AR टाइप की प्रॉब्लम है, आपको ये कहा है ए में द pH ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट है,
फॉर प्योर वाटर, ध्यान देना इधर आराम से, फॉर प्योर वाटर पीएच ऑलवेज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू हाफ पी के डब्ल्यू, ये होता है। के डब्ल्यू इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पी के डब्ल्यू डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो पी के डब्ल्यू डिक्रीज होगा, तो पी के डब्ल्यू डिक्रीज होगा तो उसका हाफ भी डिक्रीज होगा। तो बोथ पी एच एंड पी ओ एच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, पी एच एज वेल एज पी ओ एच डिक्रीजेज आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इन टू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। अगर डिसोसिएशन करोगे, वाटर का डिसोसिएशन करोगे, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी आयोनाइज करने के लिए, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो बोथ एसरेशन एंड रीजन आर फॉल्स, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, क्यों इनकरेक्ट है ये भी बता दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द के एस पी फॉर द फॉलोइंग डिसोसिएशन इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, पी बी सी एल टू है, आयोनाइज हो रहा है पी बी प्लस 2 प्लस में 2 सी एल माइनस। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइसेज इज करेक्ट फॉर ए मिक्सचर ऑफ 300 ml 0.134 m लेड नाइट्रेट एंड 100 ml ऑफ 0.4 m NaCl। ठीक है, आपको के एस पी दे रखा है, यहाँ से के आई बताएंगे, आयनिक प्रोडक्ट बताएंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट या के आई जिसको यहाँ इसमें क्यू से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं, के आई इसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ क्यू नोट किया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू नोट कर लेते हैं। इक्वल होगा किसके, पी बी प्लस 2 की कंसंट्रेशन एंड सी एल माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। अब आप कहोगे कि डिफरेंस क्या है के एस पी एंड के आई में, के एस पी एंड के आई में ये डिफरेंस है कि के एस पी में ये जो कंसंट्रेशन लेते हैं ये सेचुरेशन की होती है, और के आई में जो है किसी भी टाइम की है, बिफोर सेचुरेशन, आफ्टर सेचुरेशन, एट सेचुरेशन। के आई के एस पी के इक्वल हो जाता है एट सेचुरेशन, जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो के आई इज इक्वल टू क्या आएगा, पी बी प्लस 2 की कंसंट्रेशन 0.134 इंटू 300 अपॉन में टोटल वॉल्यूम 400। ठीक है, ये आ गई पी बी प्लस 2 की कंसंट्रेशन इंटू सी एल माइनस की कंसंट्रेशन क्या आएगी, सी एल माइनस की कंसंट्रेशन ये आएगी 0.4 इंटू 1 अपॉन में, इंटू 1 का मतलब 100 अपॉन में 400। ये 1/10 है, ये भी रफली 1/10 ही है, रफली ये भी 1/10, 1/10 इंटू 1/10 यानी 10 की पावर माइनस 2 आ गया आपके Q या के आई की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 2 आ गया। ये दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5। के आई क्या बताओगे, के आई 10 की पावर माइनस 2 है, के एस पी 10 की पावर माइनस 5 है, तो क्या रिलेशन आएगा के आई और के एस पी में, के आई मोर देन के एस पी, के आई मोर देन के एस पी, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा इस कंडीशन में, ये जो मिक्स करोगे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। हालांकि यहां पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी दिया है, आगे ये पूछना चाहिए था, प्रॉब्लम ये होनी चाहिए थी कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और नहीं होगा। तो इस केस में अगर कहेगी तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, यहां ओनली रिलेशन ही दिया है, तो क्यों मोर देन के एस पी, बस इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम है। द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन इज 6 × 10⁻³¹। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड विल बी, तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइजेज एज, ये हो गया सी आर प्लस 3 प्लस में 3 ओ एच माइनस एट सैचुरेशन एस मोल पर लीटर, ये 3 एस मोल पर लीटर। के एस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के एस पी इज इक्वल टू, के एस पी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 27 सॉल्युबिलिटी की पावर 4, 27 सॉल्युबिलिटी की पावर 4। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू ये आएगी के एस पी बाई 27, के एस पी बाई 27 और आ जाएगी 1/4। आपको हाइड्रोक्सिल आयन यानी ओ एच माइनस की कंसंट्रेशन बतानी, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 3s, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा आपके, इनर साइड में ले लिया 3 तो 9 इंटू 9 यानी 81,
इंटू के एस पी कितना है 6 इंटू 10^-31 अपॉन में 27 पावर 1/4 है 18 इंटू 10^-3 और पावर 1/4 18 इंटू 10^-31 पावर है 1/4 ये आपका आंसर आ गया 4th ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम है इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी ये सर्कल है प्रोडक्ट बी ये है और ये ए है के इक्विलिब्रियम बताना है तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रिएक्टेंट है ए प्रोडक्ट है बी बी अपॉन में ए कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए तो ये आइडेंटिफाई कर देते हैं ए ये ए है ये रिएक्टेंट है रिएक्टेंट है इसका मतलब ये कितने हो गए 6 हो गए और ये जो है ये बी है तो बी भी फाइंड आउट कर दो बी को डिवाइड कर दोगे ए से ये 6 है ये 11 है अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया 2 आ गया ये ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।